तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कहते हैं जी रुकैया कादरी, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इजी रेसिपी जिसको कहते हैं बर्मी शैली सेवई खीर रेसिपी। इसको पायसम भी बोलते हैं कई जगह पर, और आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या बोलते हैं इसको। और लुक एट दिस डिश, कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है। और ये इतनी ही आसान है, कभी भी इस डिज़र्ट को आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सेवई, और कुछ हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स, और ये है देसी घी 500 ग्राम लगेगा इसमें। मिल्क जो हमने बॉइल करके रखा हुआ है, अब हम स्लो फ्लेम पर 2 टेबलस्पून में डालेंगे घी। इसको हल्का गर्म कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें रोस्ट कर लेंगे। 2-3 मिनट इसको रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करके आधे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे। इसको 2-3 मिनट रोस्ट करना है, और ये हमने आधे ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए निकाल लिए। और इसमें जाएगी अब हमारी बर्मी शैली सेवई जिसको हम रोस्ट करेंगे। हल्की आंच पर हमने रोस्ट करना है, फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है, और इसको रोस्ट करना है अच्छे से। इसको 2-3 मिनट रोस्ट कर लेना है, और ये रेसिपी बहुत झटपट बन जाती है और खाने में भी यम्मी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब इसमें हमने डाल दिया है 500 ग्राम बॉयल मिल्क, और इसको डालकर हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी सेवई अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। इसको ढक देंगे, स्लो फ्लेम पर ही रखना है आपने। और ये देखिए कुछ ही मिनट में, एक ही मिनट में ये तैयार है। बस हमने इसको इतना ही कुक करना है। किस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें शुगर? शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो हमने डाली है इसमें 200 ग्राम, और ये मेरे 2 कप डाली है मैंने, 200 ग्राम से कुछ कम। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कुक करेंगे इसको अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें मिल्क और ऐड करेंगे जो मैंने बचा लिया था 500 ग्राम में, तो उसको हम ऐड करेंगे। और ये बस तैयार है, रेडी टू ईट। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, और मेरे चैनल पर आप लोग नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो हमने निकाली थी मेवा, ड्राई फ्रूट रोस्टेड, वो हम इसमें गार्निश कर देंगे, और इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। आई होप आप सब लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कीप वॉचिंग, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।